महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि की व्रत का विधान बताकर शिकारी की कथा सुनाई। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित हो साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो गया। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बैल के वृक्ष पर पड़ाव बना लिया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न था। पड़ाव बनाते समय उसने टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को ही थी कि एक हस्त पुष्ट मृग उसी रास्ते पे आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख कर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देर न कर, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैंने उन मृगियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। मृगी बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी।
तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। तब शिकारी और मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। जय भोलेनाथ।